अब हम देख रहे हैं कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम। तो कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमें पता है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं, ठीक है। मेमोरी जो है वो शेयर होती है बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसर्स, और सपोज करो तीन प्रोसेसर्स हैं और तीनों के पास अपनी क्या होगी, एक प्राइवेट कैशे होगी C1, C2, C3। तो अगर सपोज यहाँ पर एक्स डेटा है तो ये एक्स डेटा जो है ये कैशे भी यूज कर सकती है, ये भी कॉपी कर सकती है, या जो ये जो एक्स डेटा है वो कैशे C1 में भी कॉपी हो सकता है, C2 में भी और C3 में भी। अगर हमने किसी भी प्रोसेसर को अलाउ कर दिया कि वो इस शेयर्ड कॉपी को चेंज कर सकती है इंडिपेंडेंटली, तो उस केस में क्या होगा, अगर सपोज इसने एक्स डैश कर दिया, ठीक है, इस प्रोसेसर ने इस एक्स की वैल्यू को एक्स डैश कर दिया, तो बाकी कैशे इसमें तो क्या हो जाएगी, एक्स वैल्यू ही रह जाएगी, जिसकी वजह से डेटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी अपडेटेड डेटा जो इन कैशेस को मिल नहीं पाएगा। तो ये क्या है, कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम है। तो कैशे कोहेरेंस है क्या, इनकंसिस्टेंट कॉपीज ऑफ सेम मेमोरी ब्लॉक इन डिफरेंट कैशेस, मतलब सेम मेमोरी ब्लॉक की डिफरेंट कॉपीज जो होंगी डिफरेंट कैशेस के पास होंगी, ठीक है। तो डिफरेंट कॉपीज होंगी मतलब इनकंसिस्टेंट कॉपीज होंगी, अगर सेम नहीं है सबके पास वो वाला डेटा तो वो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो मल्टीपल प्राइवेट कैशेस इन्हें मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरमेंट इंट्रोड्यूस कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम, सिंस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट कैशेस साइमल्टेनियसली एंड इफ प्रोसेसर अलाउड टू अपडेट देयर ओन कॉपीज फ्रीली एन इनकंसिस्टेंट व्यू ऑफ मेमोरी कैन रिजल्ट। तो प्राइवेट कैशेस क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरमेंट में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं और उनके पास अपनी खुद की प्राइवेट कैशे होती है, तो जो सेम डेटा होता है मेमोरी का उसकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं डिफरेंट कैशेस के पास जा सकती हैं। तो उस केस में अगर हमने किसी प्रोसेसर को अलाउ कर दिया कि वो इस कॉपी में चेंजेस कर पाए, तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, इनकंसिस्टेंट व्यू ऑफ मेमोरी जनरेट हो जाता है, यानी हर कैशे में सेम वैल्यू नहीं रहती है। तो ये आती क्यों है कैशे इनकंसिस्टेंसी, कैशे इनकंसिस्टेंसी आने के 3 रीजन है, डेटा शेयरिंग, प्रोसेस माइग्रेशन और इनपुट आउटपुट। इनकंसिस्टेंसी इन डेटा शेयरिंग कब आती है, सपोज करो हमारे पास 2 प्रोसेसर हैं और दोनों के पास कैशेज हैं और उसमें ये एक्स डेटा है शेयर्ड मेमोरी का, तो बिफोर अपडेट एक्स कंसिस्टेंट है, सभी के पास एक्स वैल्यू है। अब सेकेंड क्या हुआ कि सपोज P1 ने एक्स की वैल्यू को एक्स डैश कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट थ्रू कैशे यूज कर रहे हैं। राइट थ्रू कैशे पॉलिसी क्या होती है कि जैसे ही प्रोसेसर P1 इसमें अपडेट करेगा, इमीडिएटली वो इसको क्या करेगा, जब प्रोसेसर P1 जो अपनी कैशे में एक्स की वैल्यू को एक्स डैश करेगा, इमीडिएटली वो वैल्यू उसको किस में राइट कर देगा, मेमोरी में भी राइट कर देगा, लेकिन इसमें राइट नहीं होगी। तो देखो अलग अलग डेटा हो गया, इन दोनों कैशेस में क्या होगा, इसमें एक्स डैश है और इसमें एक्स है, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो राइट थ्रू पॉलिसी क्या कहती है, कैशे एंड मेन मेमोरी आर अपडेटेड विथ एवरी राइट ऑपरेशन, हर राइट ऑपरेशन पे क्या होगा, कैशे और मेन मेमोरी क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। दूसरी क्या होती है, राइट बैक कैशे पॉलिसी होती है। तो राइट बैक में क्या होता है, ओनली कैशे इज अपडेटेड एंड दी लोकेशन मार्क सो दैट इट कैन बी कॉपीड लेटर इनटू मेन मेमोरी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई प्रोसेसर अपने कैशे की किसी वैल्यू को चेंज कर देता है, अपडेट कर देता है, तो वो इमीडिएटली चेंज नहीं होती है राइट इसमें मेन मेमोरी में। ये कब राइट होती है, जब सपोज ये डेटा जो है ये डिलीट होने वाला हो या रिप्लेस हो रहा होगा किसी और वैल्यू से, तो उस टाइम जो है मेन मेमोरी को अपडेट किया जाता है। तो क्योंकि ये इमीडिएट अपडेट नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ पर दोनों में अलग अलग वैल्यूज आ गई और मेमोरी में भी क्या हो गई, डिफरेंट वैल्यूज हो गई, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई इन कैशेज में, यहाँ पर एक्स डैश है और यहाँ पर एक्स है। तो कंसीडर अ मल्टी प्रोसेसर विथ 2 प्रोसेसर्स, ईच यूजिंग अ प्राइवेट कैशे एंड बोथ शेयरिंग द मेन मेमोरी, लेट एक्स बी अ शेयर्ड डेटा एलिमेंट विच हैज बीन रेफरेंस्ड बाय बोथ प्रोसेसर्स बिफोर अपडेट, द 3 कॉपीज ऑफ एक्स आर कंसिस्टेंट। Inconsistency occurs due to write-through policy. If processor P1 writes new data x dash into the cache, the same copy will be written immediately into the shared memory using a write-through policy. In this case, inconsistency occurs between the 2 copies x dash and x in the 2 caches. Next is write-back policy. Inconsistency may occur when a write-back policy is used.
The main memory will be eventually updated when the modified data in the cache are replaced or invalidated. तो main memory में कब जो है change होगा data write back policy में, जब कैशे का वो जो डेटा एक्सडेश हुआ है वो या तो रिप्लेस हो रहा होगा या इनवैलिडेट हो रहा होगा. नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू प्रोसेस माइग्रेशन. तो यहाँ पर जैसे बिफोर माइग्रेशन क्या हो रहा है, P1 के पास X डेटा है और मेमोरी के पास, जो मेमोरी में X डेटा है वो P1 प्रोसेसर के पास है. सपोज करो कि P2 प्रोसेसर को ये P1 के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है. तो ये वाले फिगर के बाद इस वाले फिगर को देखो कि P1 का डेटा जो है वो माइग्रेट हुआ किसके पास, P2 के पास. ठीक है, P2 के पास माइग्रेट होने के बाद P1 ने क्या किया, उसको एक्सटेश कर दिया. और अगर ये राइट बैक पॉलिसी है तो मेन मेमोरी में अभी अपडेशन नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें इनकंसिस्टेंसी आ गई. डेटा P2 के पास माइग्रेट हुआ और माइग्रेट होने के बाद ही P1 ने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो दोनों कैशेज में अलग अलग डेटा आ गया. अब सपोज करो प्रोसेसर 2 का जो डेटा X था वो माइग्रेट होके P1 के पास आ गया, और माइग्रेट करने के बाद प्रोसेसर P2 ने उसको क्या कर दिया, एक्सटेश कर दिया. और अगर ये राइट थ्रू कैशे है, राइट थ्रू पॉलिसी वाली कैशे है, तो ये क्या होगा, जो एक्सटेश हुआ है वो इमीडिएटली मेमोरी में भी चेंजेस हो जाएगा, मेमोरी में भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ एक्स हो गया, यहाँ एक्सटेश हो गया, तो दोनों कैशेज में वैल्यूज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई. ठीक है, तो उससे क्या आ गई, इनकंसिस्टेंसी. तो पहले ये वाले से ये वाला फिगर है राइट बैक वाला, फिर यहाँ से ये है, पहले P1 से डेटा P2 माइग्रेट हुआ था, अब P2 से डेटा P1 को माइग्रेट हुआ था और फिर चेंजेस हुए थे. तो दोनों ही केसेस में क्या आ गया है, इनकंसिस्टेंसी आ गई है ड्यू टू प्रोसेस माइग्रेशन. अब वो फिगर शोज द अकरेंस ऑफ इनकंसिस्टेंसी आफ्टर ए प्रोसेस कंटेनिंग ए शेयर्ड वेरिएबल एक्स माइग्रेट्स फ्रॉम प्रोसेसर 1 टू प्रोसेसर 2 यूजिंग द राइट बैक कैशे. तो जब प्रोसेसर 1 से प्रोसेसर 2 पे माइग्रेट हुआ था राइट बैक कैशे में, तब भी क्या आई थी, इनकंसिस्टेंसी. और जो मिडिल वाला, ये कौन सा वाला फिगर था, जो राइट साइड था, और जो मिडिल वाला फिगर है उसमें क्या हुआ था, प्रोसेस माइग्रेट्स फ्रॉम प्रोसेसर 2 टू प्रोसेसर 1 व्हेन यूजिंग राइट थ्रू कैशेस. Both cases shows inconsistency between the two cache copies labeled X and X dash. Next is inconsistency due to input-output operation. तो यहाँ पर देखो P1, P2 के पास X data है shared memory का. अब suppose input operation perform हो गया, input से एक new data X dash आ गया memory में bypassing the caches. अब cache को पता नहीं है कि इसमें changes हुए हैं, तो अब इनकंसिस्टेंसी आ गई किसमें, कैशे और मेन मेमोरी में. अब सपोज करो कि आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सपोज करो कि जो P1 प्रोसेसर है उसने X की वैल्यू क्या कर दी, X डैश कर दी. ठीक है, और क्योंकि ये राइट बैक है तो मेमोरी में डेटा X ही रहेगा, ये बाद में रिप्लेस होना था, लेकिन आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होने की वजह से मेमोरी का ये X डेटा जो है वो आउटपुट में प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो X डैश हुआ था, जो अपडेटेड वैल्यू थी X की, वो वाली वैल्यू आउटपुट में नहीं जाके ओल्ड वाली वैल्यू X ही आउटपुट में चले जाएगी. तो इसकी वजह से भी क्या होगा, कैशे और मेन मेमोरी में जो है इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी. तो यहाँ पर क्या है, इनपुट फिगर क्या शो कर रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बायपासिंग दी कैशे. व्हेन दी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर लोड्स ए न्यू डेटा X डैश इनटू दी मेन मेमोरी दी बायपासिंग दी राइट थ्रू कैशे. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से क्या हो रहा है, न्यू डेटा X डैश जो है वो मेमोरी में इनपुट हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है. किसको बाईपास किया हुआ है, कैशेस को. व्हेन आउटपुटिंग ए डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द शेयर्ड मेमोरी बाईपासिंग द राइट बैक कैशेस ऑल्सो क्रिएट इनकंसिस्टेंसी. तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आती है, यानी कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम आती है मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में.